ये देखिए गर्ल्स हेयर स्टाइल है, और ये 13 से 14 साल की गर्ल्स जो होती हैं उनके ऊपर आप ट्राई कर सकती हैं। और ये हेयर स्टाइल हम छोटे बच्चों पे भी बना सकते हैं, इसके भी मैंने वीडियो डाले हैं, बट कुछ लोगों ने कहा वो वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं है, तो मैं उसे फिर से बना रही हूँ और इस पर मैं दिखा भी रही हूँ। सबसे पहले हम ये एक मीडियम पोनी बना लेंगे और इस पर हम थोड़ा टाइट रबड़ लगाएंगे ताकि ये हिले ना। और अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, ये देखिए सबसे पहले हम ये थोड़ा सा बाल लेंगे, और ये मैंने ये छोटे वाले क्लचर लिए हैं और इसी से हम ये बाल को, ये देखिए इसको हम ऐसे यहाँ हल्का सा उंगलियों की सहायता से इसको हम रोल करेंगे और इसको यहाँ पे हम करके इसको हम क्लचर से अच्छे से पिनअप करेंगे। मैं करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इन बालों को हम थोड़ा सा बाल उठा के ऐसे ले जाके और यहाँ हम अंदर से यहाँ से हम क्लचर लगाएंगे ताकि ये क्लचर हमारा हल्का हल्का दिखाई भी देगा। हम इसको यहाँ ऊपर से नहीं लगाएंगे वरना ये दब जाएगा, इसको हम यहाँ ऐसे अंदर से लगाएंगे। और ये मैंने देखिए 3 रोल मैंने ऐसे करके बनाया है, और आप चाहे तो बाकी बाल को ऐसे खुला हुआ छोड़ सकती हैं क्योंकि गर्ल्स के बाल तो काफ़ी घने होते हैं तो अच्छे लगते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको आप पूरे बालों को पूरे गोलाई में ऐसे करके इसको आप राउंड में आप इसको जूड़े का भी शेप दे सकती हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और अभी आप यहाँ पे चाहें तो कोई क्लिप्स वगैरह लगा के इसको देखिए हम इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। ये देखिए इसको कलरफुल हम बना देंगे। जब हम मल्टी कलर का ड्रेस पहनते हैं तो उसके साथ ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं आपको इसको पूरे राउंड में करके दिखाती हूँ। ये देखिए हेयर स्टाइल बन के तैयार है, और ये लास्ट फिनिशिंग देखिए, ये थोड़ा सा जूड़े का लुक भी आ जाता है। और आप इसे चाहें तो पूरा ऐसे ही बालों में, इसका बाल काफ़ी घना है तो मैंने ये बाल लास्ट का बाल मैंने रोल करके अंदर ऐड कर दिया है। ये ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहा है। और आप चाहें तो इसको अगर हल्के बालों में बनाना हो तो आप पूरे राउंड शेप में बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर इसका लुक आया है। और यहाँ पे हम हेयर पिन इसलिए नहीं लगाते हैं कि वो दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हमने छोटे छोटे क्लचर लगाए हैं ताकि ये दिखता है तो गर्ल्स पे ये अच्छा लगता है। बड़े तो नहीं यूज कर सकते हैं बट बच्चों के ऊपर ये बहुत ही अच्छा लगता है। सो ये मेरा फर्स्ट हेयर स्टाइल बन के तैयार है। और हम थोड़ा सा इसे हम रोज पोनी बोलते हैं, रोज पोनी स्टाइल। और ये देखिए इस बाल को हम ऐसे पतले लेयर में बांध लेंगे और इसको हम फिंगर की सहायता से रोल करेंगे। ये देखिए इसको एकदम आसानी से हम इसको रोल करते जाएंगे। और यहाँ पे ये ब्लैक हेयर पिन हम लेंगे, और इसके लिए हम वो हम एक इधर से और एक इधर से 3 ऐसे ही हम इसको रोल करके बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी से इसको उंगलियों में अपने फिंगर की सहायता से इसको हम देखिए ऐसे आसानी से इसको पकड़ते हुए रोल करते हैं और इसको हम इसमें ऐड करके, और ये जो बीच में गैप आएगा उसको भी हम जुड़े वाले काटे वाली जो पिन आती है उससे हम इसको अच्छे से यहाँ पे एक में ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए ये 3 रोल बन गए हैं। और अब ये देखिए थोड़ा सा जो बीच में बालों में गैप है इसको हम इस जुड़े पिन से इसको हम अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे इसमें। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए मार्केट में एक से एक सामान हमारे मिल जाते हैं, और ये जैसा कि मैंने रोज़ रोल इसको बोला तो हम इसे रोज़ से ही डेकोरेट करेंगे। ये देखिए इसको हम यहाँ पे देखिए आसानी से इसको हम लगा देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा गैप है तो यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप, ये सब मार्केट में इजीली अवेलेबल है तो इसको हम आराम से लगा देंगे। ये मैंने ढेर सारे रोज़ से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। ये देखिए कितना खूबसूरत ये हेयर स्टाइल लग रहा है। इसे आप जींस पे या पार्टी वेयर किसी भी ड्रेस पे आप गर्ल्स को अपने इस हेयर स्टाइल से तैयार कर सकती हैं। ये देखिए हम सबसे पहले मीडियम साइज पोनी, ये मैंने जो भी हेयर स्टाइल बताई है ये पोनी बेस ही है, इसको आप पोनी में और जोड़े में भी यूज कर सकते हैं। और अब मैं ये थर्ड स्टाइल जो है ये मैं जो चोटी के लिए बता रही हूँ। इसको देखिए हम बालों को 2 राउंड करेंगे, हम 2 भागों में बालों को बराबर बराबर ले लेंगे।
ये देखिए बालों को हम दो भाग में बांट, ये देखिए बालों को हम दो भाग में ले लेंगे। और एक लेयर हम पतला सा इसको ला के हम इधर मिलाएंगे, और इधर से थोड़ा सा पतला सा लेयर ला के हम ऐसे ही इधर मिलाएंगे। इसको हमें ऐसे ही चोटी बनानी है, हम तीन रोल में जैसे गूंथते हैं वैसे नहीं बनाएंगे। ये देखिए सेकेंड राउंड, फिर यहाँ हम थोड़ा सा बाल लेंगे और इसको हम इस साइड ला के आराम से इजली में मिला देंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइल है। और फिर इधर से हम थोड़ा सा बाल लेंगे और उसको इस साइड ला के मिला देंगे। ऐसे ही करते हुए हम इसकी पूरी नीचे तक हम पूरी चोटी बना लेंगे। लुक बहुत ही अलग आता है, किसी भी वेकेजन पे आप इसको बना सकती हैं। सिंपल और स्टाइलिश लुक आता है इसका। देखिए इसमें कुछ भी हमें नहीं है कि हमें फोर राउंड में बाल लेना है, आगे से पीछे से घुमाना है, कुछ याद करना है, कुछ भी नहीं है। देखिए देखिए सिर्फ दो भाग में बालों को हमें बांटना है और आराम से थोड़ा थोड़ा एक बराबर हम कोशिश करेंगे कि बालों को उठाएं, इसका लुक और अच्छा आता है। देखिए ऐसे करते हुए पूरी चोटी नीचे तक इसको ऐसे ही बना लेंगे। आप देख सकती हैं इसका ये देखिए हमारा चोटी स्टाइल है। तो हम यहाँ पे कोई सुंदर सा रबड़ यूज करेंगे। ये देखिए नेट बेस पे ये कार्टून रबड़ है, तो ये मैंने यूज किया है। और अगर आप बीच बीच में इसमें चाहें तो ये जो छोटे छोटे क्लचर होते हैं या मोती भी आते हैं मार्केट में, उसको आप यहाँ पर लगा के इसको आप और भी सुंदर बना सकते हैं। और ये हम कलरफुल यूज करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ड्रेस का मैचिंग भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाहें तो फैंसी रबड़ यूज कर सकते हैं, बट हम नीचे इतना कुछ कर देते हैं तो यहाँ ज़रूरत नहीं रहती है, इसलिए यहाँ हम सिंपल ही रबड़ लगाएंगे। और देखिए ये कितनी खूबसूरत छोटी लग रही है, बिल्कुल स्टाइलिश और ईजिली ये कंफर्टेबल भी है। अगर हम बच्चों के बाल खोले रखते हैं या कुछ हैवी बना देते हैं तो उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, बट ये बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइल है। तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करिए। और मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।